दोस्तों यहाँ सड़क पर कोई नहीं होता, लेकिन इतने में तभी वहाँ पर एक विकलांग व्यक्ति जो कि ट्राईसाइकिल से वहाँ पर आता है। थोड़ी आगे आने के बाद उस विकलांग व्यक्ति की ट्राईसाइकिल की चैन उतर जाती है। वह विकलांग व्यक्ति अपनी ट्राईसाइकिल को वहाँ चढ़ाव पर चढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन उस विकलांग व्यक्ति की वह साइकिल चढ़ाव पर नहीं चढ़ती, जिसके बाद वह व्यक्ति अपनी चैन को ठीक करने लगता है। लेकिन दोस्तों इस विकलांग व्यक्ति से वह ट्राईसाइकिल की चैन नहीं चढ़ती। इतने में तभी थोड़ी देर बाद एक व्यक्ति वहाँ पर आता है। वह विकलांग व्यक्ति उस व्यक्ति से मदद करने के लिए कहता है, लेकिन वह व्यक्ति काफी जल्दी में होता है और वह उस विकलांग व्यक्ति की हेल्प करने से मना कर देता है। वह उस विकलांग व्यक्ति से कहता है कि उसके हाथ खराब हो जाएंगे और इसलिए वह उस विकलांग व्यक्ति की हेल्प नहीं करता। लेकिन दोस्तों इतने में तभी थोड़ी देर बाद एक छोटी बच्ची वहाँ पर आती है और जब वह उन विकलांग व्यक्ति को वहाँ परेशान देखती है तो वह उन विकलांग व्यक्ति की हेल्प करने लगती है और वह बिना कुछ सोचे समझे उस ट्राईसाइकिल की चैन को चढ़ाने लगती है और फाइनली उस छोटी बच्ची की मदद से उस ट्राईसाइकिल की चैन चढ़ जाती है और इस तरह उस विकलांग व्यक्ति की काफी ज्यादा हेल्प हो जाती है। इस दौरान उस छोटी बच्ची के हाथ काले हो जाते हैं, जिसके बाद वह विकलांग व्यक्ति एक पानी की बोतल से उस छोटी बच्ची के हाथ साफ कराता है और उस छोटी बच्ची का काफी ज्यादा धन्यवाद करता है, क्योंकि अगर वह छोटी बच्ची वहां पर नहीं आती तो उस विकलांग व्यक्ति को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता। वह छोटी बच्ची अच्छे से हाथ साफ करने के बाद उस विकलांग व्यक्ति से खाना खाने के लिए पूछती है। वह विकलांग व्यक्ति सच में भूखे होते हैं, जिसके बाद वह छोटी बच्ची बिना कुछ सोचे समझे अपने बैग से खाना निकालती है और उन विकलांग व्यक्ति को दे देती है। वे विकलांग व्यक्ति लगातार इस मदद के कारण उस छोटी बच्ची का काफी ज्यादा धन्यवाद करते हैं। खैर दोस्तों, अगर आप उस छोटी बच्ची की जगह होते तो आप क्या करते, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये वीडियो केवल नॉलेज पर्पस के लिए बनाई गई है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें।